राउर सब मन के आदिवासी लाइव टीवी के और से जोहार और ई सुसहाय। राउर मन के ई बताई के खुशी महसूस हुआ थे कि बीते 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक झारखंड राज्य के रांची शहर में GEEL चर्च, छोटा नागपुर और असम के 5 डायसिस के सहभागिता में 100 बछरिया सेंटेनरी जुबली मनाल गेलक। ई जुबली में लगभग 12,000 से भी अधिक डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। इकर में हमनी के असम के लगभग 1700 डेलीगेट्स प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। ई प्रोग्राम में पहुँचे के लिए GEEL चर्च नॉर्थ ईस्ट डायसिस के बिशप राइट रेवरेंड निराल भुया गोम के और असम सरकार बहुत आयत से सहायता पहुँचलें। साथ ही साथ सात समुंदर पार जर्मनी और अंडमान से भी ई प्रोग्राम में आए रहे हैं। ई जुबली के विशेषता के बारे में हमनी के नॉर्थ ईस्ट डायसिस तेजपुर पेरिस के रेवरेंड सालिम आइन द्वारा जाने पड़बे। निकर नॉर्थ ईस्ट डायसिस के बिशप राइट रेवरेंड एन भुया के संगे बतियाबो थोड़ा सर ई तीर्थ यात्रा के कारण रौरमन जी सुविधा दिला उकर बारे धन्यवाद दे थी और इकर बारे में थोड़ा कुछ अपने मन भी थोड़ा बतियाबो हले उसन तो या मोर क्रेडिट ना लगे लेकिन असल में हमारे क्रिश्चियन डेवलपमेंट फोरम ऑल असम क्रिश्चियन डेवलपमेंट फोरम के थ्रू से यह यात्राटा हमारे शुरू खैरी और यह फोरम मेनली हमारे के आदिवासी जो क्रिश्चियन मन है उमन के डेवलपमेंट के लिए सरकार के साथ में हमारे उठा बैठा कर ही लिया या तो जो भी प्रोजेक्ट मन या प्लानिंग मन है गवर्नमेंट के तो हर एक प्लानिंग मन के हमार आदमी मन के सही रूप में पैक कर एक व्यवस्था कराल जाए ला और यह हमारे के पहले पदक्षेप है के जो किस रूप में एक तीर्थ यात्रा के रूप में एक ट्रेन के व्यवस्था करे के लिए रिक्वेस्ट कर रही और हमारे असम गवर्नमेंट को धन्यवाद देवे ला कि इस रूप में हमारे के जो नीड रहे और यह तो शुरुआत है कि आने वाला समय मैं भी क्लियर नहीं हूँ कि आने वाला समय किस रूप में यह प्रोग्राम तो आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद दे थी हमने के विश्व महोदय के हमने संगे बतिया के लिए। आदिवासी लाइव टीवी के एग्जीक्यूटिव मेंबर मन के GEEL चर्च छोटा नागपुर और असम हो के बहुत बहुत धन्यवाद दिलाएं। चला तो देखबो रांची सेंटेनरी जुबली के कुछ झलक। ब्यूरो रिपोर्ट आदिवासी लाइव टीवी।
हम लोग मौजूद है रांची झारखंड में और हम लोग यहाँ स्थानीय कुछ व्यक्तियों से बात करना चाहते हैं। या जुबली में आपके जो झारखंड में हो रहे हैं उसके लिए मतलब आप लोग कितना आनंदित है और आपको आके यहाँ कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा माहौल ही बदल गया है। जिस प्रकार का माहौल है ऐसा तो वर्ष में कभी कभी ही होता है, देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। सभी लोग प्राय सभी लोग मस्ती कर रहे हैं, पूरी तरह प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चल रहा है। सो कुल मिलाकर के सभी कुछ अच्छा है। आप लोग कौन सा पैरिस से यहाँ बिलोंग करते हैं? हम लोग डिब्डी पैरिस। आप लोग तो यहीं के आस्थाने जी, यहीं के। फिर आप लोग का पैरिस से कितना लोग आए हैं, कितना डेलीगेट्स आए हैं? वो तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी जिस प्रकार का भीड़ है उसमें तो इधर उधर सभी को हैं, फिर भी लगभग 100-150 लोग तो होंगे। आप लोग को यहाँ कैसा महसूस हो रहा है जो कि मतलब पूरे पांचों डायसिस से आए हुए हैं, सभी बिशपगण या पादरीगण? सभी से मिलजुल करके अच्छा लग रहा है, सभी एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं, शांतिप्रिय माहौल भी शांतिप्रिय है, सब कुछ अच्छा है। थैंक यू। हमने एखन उपस्थित है रांची झारखंड में और यहाँ हमने के नॉर्थ ईस्ट डायसिस के तेजपुर पैरिस के रेवरेंड है सलीमाइन उकर से थोड़ा हमने गुथियाबो यहाँ हमने सार से बतियाबो कि यहाँ का हुआ थे और कितना कितना डायसिस से आए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं रेवरेंड सलीमाइन नॉर्थ ईस्ट डायसिस तेजपुर पैरिस के चेयरमैन रोरेमन के मोरदिगे से जोहार और सभी को की इशू सहाय। आज सचमुच हमने के निमित्त बड़े आनंद के दिन है के आज हमने घोषणा कलिशिया जीएल चर्च के जो ऑटोनोमी अर्थात 1919 में जखन जर्मन मन चल गया विश्व युद्ध के समय में सेखन हमने के बहुत ही समस्या होल और उसी समय में हमने के कलिशिया के ईश्वर आत्मा अगुवाई कर ली और तब से अपन दान से विशेष करके घड़ा दान के साथ में अगुवाई हो ली और उसी दिन से घोषणा कलिशिया आज 100 साल होल अपन दान पुण्य से उ कलिशा के संचालन करा थी ईश्वर के दया से और उकरे आज हमने के 100 साल के ऑटोनोमस जुबली के हमने मनाए के ले आई और हमरे मोर जानकारी के आधार पर हमरे के आसाम से लगभग हमरे नॉर्थ ईस्ट डायसिस से 1300-1350 हमरे पार्टिसिपेंट आई और पूरे पांचों डायसिस और हेडक्वार्टर से मिलाए के लगभग हमरे यहाँ 5000 उपस्थित आई और हमने बहुत ही सुंदर से आनंद मनाते एंजॉय करा थे। हमें जाने को जाते हैं कौन कौन डायसिस से यहाँ उपस्थित हैं? हमरे के यहाँ 5 डायसिस है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, मध्य डायसिस और एक है जटन के हमने के रांची हेडक्वार्टर कॉन्ग्रीगेशन अर्थात हमने के 5 और हेडक्वार्टर कॉन्ग्रीगेशन के मिला के 6। हमें जाने चाहते हैं और ये प्रोग्राम में कई दिन चले और कखन खत्म हो? एक शुरुआत है हमरे के बीते 31 तारीख सांझ से और सॉरी 30 तारीख सांझ से और आज सांझ तक में ख़त्म हुई और खुशी की बात है कि आने वाला कल भी पूरे घोषणा कलिशा के निमित्त एक आनंद के दिन है कि 2 नवंबर अर्थात मुझे जाना की खुशी हो तो कि 1845 में जो जर्मन से 4 मिशनरी आए रहन उमन यहाँ 2 नवंबर में उपस्थित हो रहन और उकरे कल भी हमने मनन करब और पूरा कलिशिया कल के दिन के भी मनन करते हुए यहाँ से जब आई। हमने सलीमाइन के धन्यवाद देते हमने से गुठिया के लिए।
और हमने ये दर्शक मन से जाने खोजे थे यहाँ आए के उमन के कैसन लगा थे। मो नाम श्री पत्रा सुरेन मोए तिसिका बीटीटी अंतर्गत वहाँ से आए हमने एक से रांची में आज हमने 30 तारीख के पहुँचे 2 बजे और जखन से शुरुआत से हमारे मन ये इस राष्ट्रीय प्रोग्राम में जड़ित आई और राष्ट्रीय प्रोग्राम में बहुत सुंदर लगा थे और भल लगा थे एक से 100 बच्चे जुबली हमने उपस्थित आज देखे पड़ ली। और हमने दीदी मन से भी जाने खोजे थे यहाँ आए के उमन के कैसन लगा था और कहाँ से आ है यहाँ आए के हमने के बहुत भल लगा थे बहुत मजा लगा थे कारण हमने यहाँ पहले बार खातिर आए रही हमने यहाँ के परिस्थिति नहीं जानत रही किरकम पूछबेन कि नहीं पूछबेन किंतु यहाँ आए के हमने के हँसा के इतना भल लगा थे जे आज ये प्रोग्राम के अंतिम दिन आज हो तो हमने के बहुत दुख लगा थे मैंने हमने यहाँ से जाए के लिए मन नहीं करा थे और हमने यहाँ के जितने सब कोई के हमने हमने दिखे से आसामवासी होकर के धन्यवाद जाना थी धन्यवाद। दीदी मन कहाँ से बिलोंग कर वाला हमने आसाम डिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट हमने नाहरकटिया से धन्यवाद थी दीदी हमने से बात किया कहे खोजो ना मैं खुशी कर बात के कहानी के लिए गोशनर कलिसिया जीएल चर्च आदिवासी ग्रुप से अधिकतर बिलोंग करेला एक रास्ते यहाँ अपने मन यदि देख पाए पूरा कैमरा के चारों ओर तो इकेर में हमरे यदि देख पाए तो 99.50% हमरे के आदिवासी आए कुछ बहुत है हमरे के अलग अलग आए लेकिन खुशी के बात हमारे पूरे आदिवासी पूरा इंडिया के राज्य मिली और सभी का उन्हें आनंदित मना थी और हमरे सब कोई के मोर दिगे से शुभकामना देते हो कि सभी को के हैप्पी ऑटोनोमस जुबली। थैंक यू। और शायद बहुत साल पहले भी यहाँ आए रहे यहाँ से ट्रेनिंग कर लग और यहाँ से जे इतना साल के एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा पूछे पूछाबो जे हुआ सेखन से एखन तक कितना खनि चेंज होलक डेवलपमेंट होलक तो उकर विषय में हमनी थोड़ा सर से पूछे चाहबो। धन्यवाद। तो मोर नाम है के रेवरेंड मार्कस गुड़िया मैं आसाम से हेको आए हूँ और हमारे बाप बेटा है पादरी है कि और परिस्थिति के विषय में तो पहले के जो परिस्थिति रहे यहाँ उस परिस्थिति की याद कर ले आज तो स्वपन जैसन लगेला काहे कि उस समय के परिस्थिति उस परिवेश में उस समय के लेके तो ठीके रहे लेकिन एखन आधुनिक युग में तो परिस्थिति मन के याद कर ले स्वपन सा लगेला फिर भी आज के जो परिस्थिति यहाँ देखे लगिन पावा थी ये तो बहुत उन्नत है और ऐसा लगेला कि मैंने हमारे सचमुच में विकास की ओर बढ़ा थी ना केवल धार्मिक क्षेत्र में परंतु और दूसरा दूसरा क्षेत्र में भी देश के लगिन समाज के लगिन और हमारे के परिवेश के लगिन विशेष करके हमारे के ध्यान देना है आने वाला समय आने वाला पीढ़ी के लगिन तो यहाँ आए के बहुत ही खुश लगा थे कहे कि कहा कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पूर्व से पश्चिम तक के सब आदमी मन से भेंट मुलाकात हो के आली और जैसन पहले कहा गया कि ना केवल हिंदुस्तान के परंतु यहाँ से बाहर के मन से भी भेंट मुलाकात हो के बहुत अच्छा लगल और जो कुछ भी कार्यक्रम यहाँ है बहुत सही ढंग से और सुचारू रूप से चला थे तो मैं इतने के ज्ञान कर सर के भी बहुत बहुत धन्यवाद। मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन मेरा यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन मेरा यीशु ही आदि है यीशु ही अंत है यीशु ही जिंदा खुदा यीशु ही आदि है यीशु ही अंत है यीशु ही जिंदा खुदा Yeshu Masih ki jai, Yeshu Masih ki jai, Yeshu Masih.
together as a large group, like already in the beautiful last day celebrating centenary autonomy jubilee, that alone already fills me with great hope for the future of our world. Autonomy jubilee manane ke kram mein hum sab jo badi sankhya mein yahan ikattha hue, us ikatthe hone ne mujhe nishchit kar diya ki sansar ke liye ek aasha ki baat upasthit hai. We are the people of God. We belong to God, and Jesus Christ shows us this beautiful message daily. Yes, we belong to God. हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के हैं, और प्रभु यीशु यह सुंदर संदेश प्रतिदिन हम सबको देता है. हाँ, हम परमेश्वर के हैं. Yes, we belong to God, the person next to you, the person behind you, and in front of you. We belong somewhere. We belong right here in the presence of God. हम परमेश्वर के हैं. आपके बगल का व्यक्ति, आपके पीछे और सामने का व्यक्ति, हम सबको अगर कहीं होना चाहिए तो यही होना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में. In the solidarity and fellowship of each other and also of our creature, which is so endangered in those days. एकजुटता में और एक दूसरे की संगति में और यह सृष्टि जो कि अभी खतरे में है. And as we stand and sit here, so do millions of our brothers and sisters in Christ all over the world. और हम यहाँ जो खड़े हैं वैसे दुनिया भर के मसीह भी हमारे करोड़ों भाई बहन करते हैं. We sit together, stand together, sing together, dance together, and today we go on in celebrating together. हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ गाते हैं. आज हम एक साथ ही आनंद मना रहे हैं. And this part of the people of God in Ranchi comes together. We can see and we can feel just like all the other followers of God in the world. And it is important to do that. रांची के मसीहियों का यह झुंड एकत्रित है तो हम वैसे ही देख और महसूस कर सकते हैं जैसा सारे जगत के परमेश्वर के अनुयायी करते हैं. ऐसा करना महत्वपूर्ण है. We are drawn towards God. God is pulling us out of our lives and toward a better life, filled with a yearning for God's kingdom in peace and justice.